ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बना के लाते हैं, कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में आपको मदद कर सकें। दोस्तों हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आए हैं थोड़ी अलग विषय पे है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में, शीर्षक में, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुद्धि से होते हैं बहुत तेज जो व्यक्ति इन तारीखों को लेते हैं जन्म। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये तारीख के बारे में या मूलांक के बारे में बताएं, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर भी करें, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। हिंदू धर्म में अंक ज्योतिष का विशेष महत्व है। अंक शास्त्र की मदद से आप अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। दोस्तों अंक शास्त्र के मुताबिक किसी इंसान के जन्म की तारीख का उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जन्म तिथि के आधार पर ही व्यक्ति का मूलांक भी बनता है। जी हाँ, अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है उनका मूलांक 2 होता है। बता दें कि मूलांक 2 के जातक सात स्वभाव के साथ साथ तन मन से भी खूबसूरत होते हैं। इतना ही नहीं, इस मूलांक के लोग सुंदर लोगों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मूलांक 2 के लोग बौद्धिक कार्यों में ज़्यादा सफल होते हैं। इस मूलांक के लोग विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 2 के जातक नौकरी व्यापार में खूब नाम कमाते हैं। इस मूलांक के जातक धन जमा करने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। मूलांक 2 के जातक गायन, संगीत, कला, लेखन आदि क्षेत्रों में अच्छा नाम कर सकते हैं। मृदु भाषी होने के कारण इस मूलांक के लोगों में राजनेता बनने के भी गुण पाए जाते हैं। इसी के साथ अंक ज्योतिषी के मुताबिक, यानी अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 2 के कुछ जातकों में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी देखी जा सकती है, जिसके कारण ये कभी कभार तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं, फैसला लेने में समय लेते हैं या गड़बड़ भी कर देते हैं कई बार। अब जहाँ तक की रही बात शुभ तारीख की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 2 के जातकों के लिए 2, 11, 20 और 29 तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है। तो यदि आप भी इसी तारीख को जन्मे हैं या आपका मूलांक है 2, तो याद रखें दोस्तों कि आप कोई भी काम करने निकल रहे हैं या कोई ज़रूरी मीटिंग है, कोई भी ज़रूरी काम, नया काम, तो ध्यान रखें अगर हो सके तो 2, 11, 20 या 29 तारीख किसी भी महीने के, यदि आप इस 4 तारीख में से काम धंधा शुरू करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, तो आपके लिए जो नतीजे होंगे वो और ज़्यादा आपके पक्ष में होंगे और सर्वश्रेष्ठ होंगे। दोस्तों तो इसलिए इन तारीखों का ध्यान रखें, ये आपके लिए लकी नंबर जैसे होते हैं वैसे लकी डेट्स हैं। यदि इन तारीखों को काम करेंगे तो आपको आपके काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।